और आज इंडिया बनाम नेपाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है राउंड भाई, क्योंकि ऑलरेडी नेपाल इस पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रहे हैं। और मैं नेपाली समर्थकों से, जितने भी नेपाल के फैंस हैं उनसे मैं रिव्यू मांगना चाहूंगा अबाउट द बैट सन। क्या कहते हैं, आपने नाम सुना है फेमस क्रिएटर फ्रॉम नेपाल बैट सन का? अगर मेरे नेपाली भाइयों ने सुना है तो प्लीज मुझे रिव्यू दीजिए, बताइए कैसे, क्योंकि उनका डेब्यू हो रहा है। या गाइस, रॉकी एंड आरडीएक्स में डेब्यू करेंगे द बैट सन वाईटी फ्रॉम नेपाल। सुना है इस बंदा एब्सोल्युटली तूफान है, लेकिन देखना पड़ेगा। ये रॉकी एंड आरडीएक्स में अच्छे अच्छे तूफान शांत हो चुके हैं। बताएगा कोई नेपाली भाई लोग कैसा खेलते हैं बैट सन, थोड़ा रिव्यू दीजिए कैसा खेलते हैं बैट सन वाईटी। बैट सन इज एन एवरेज प्लेयर रॉकी भाई, नॉट सो गुड। अच्छा ऐसा है क्या? Yes, I know Batson, his squad is so good, Rocky bhai. अच्छा, एक तरफ नेपाल की ओर से भरोसेमंद एंड ट्रस्टवर्दी none other than Batsons मुकाबला करेंगे भारत की सबसे डिपेंडेबल क्लैश स्क्वाड टीम, नॉनस्टॉप गेमिंग के आर्च राइवल्स प्रो नेशन से। जी हाँ गाइस, प्रो नेशन मुकाबला करेगी Batsons का। गंदे बच्चे क्या? देखो ये बैट्समैन के सारे प्लेयर ना नेपाल आगे लगा है प्रशिक्षण में, समझ रहे हो? ये अच्छी चीज लगी मुझे, अच्छी चीज है। और ये एक्चुअली मुझे बैट्समैन वाईटी से भी बात हो रही थी चैट की, तो मैं देखो ना वेरी सीरियस हूं। तो रॉकी मामा, इट वाज माय ड्रीम टू प्ले इन योर क्लब, और ये मैंने सोचा था मैं जब भी आपके वहां खेलूंगा आई विल रिप्रेजेंट नेपाल, एंड दिस इज व्हाट आई लव इन ईच एंड एवरी गोरखा राउंड भाई। वो जब भी खेलते हैं ना देश के लिए, जीत हार वो तो देखिए ये कहते हैं पशुपतिनाथ के हाथ में होता है, जीत हार का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एफर्ट पूरी जान लगानी चाहिए और पता होना चाहिए कि किसके लिए खेल रहे हो या किसके लिए लड़ रहे हो। दिस इज व्हाट आई लाइक इन ईच एंड एवरी नेपाली पीपल इन दिस। दोनों मौके हैं, ये नेपाल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, समझ। वाह, दूसरे वाले होंगे ये तो हती हो जाए। और भाई बैट्समैन वाईटी कोशिश कर सकते लेकिन राउंड भाई बात नहीं बनेगी। और डबल किल, यहाँ पे पहला राउंड भारत की ओर से प्रो नेशन ने बिल्कुल ऐसा पलक झपकते ही जीत लिया, क्या बात है। लामा आगे बढ़ते हुए, नहीं नहीं नहीं, और यहाँ प्रो नेशन की टीम बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और यहाँ पे लामा ने एक नॉकआउट जरूर निकाला राउंड भाई, लेकिन दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं प्रो नेशन की टीम मौका ही नहीं दे रही। और बाप रे, नहीं 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 नहीं, यहाँ कैसे मुकाबला करोगे, चांस ही नहीं है। 2-0 से आगे हो गई है द टीम ऑफ प्रो नेशन, 2-0 से आगे हो गई है। भालू को कौन दो जास्तो गेम आयान केविन साइपर एंड लेजर आगे बढ़ते हुए, इयान लेजर पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहीं, बैट्समैन वाईटी नॉकआउट यहां पे राउंड भाई। कोऑर्डिनेशन सिनर्जी हर चीज में आगे है नेपाल से प्रो नेशन की टीम, कोशिश अच्छी थी यहाँ पे और आयान को नॉक किया है, बहुत मेहनत लगेगी राउंड भाई। प्रो नेशन की टीम को अगर हराना है बहुत मेहनत लगेगी। आगे बढ़ते हुए लामा, लेजर, आयान को बहुत बढ़िया शॉट था, लामा बिल्कुल अकेले, 3-0। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बात नहीं बन रही राउंड भाई, बहुत मजबूत है भाई। यहाँ तो प्रो नेशन की टीम ने कहना पड़ेगा शुरुआती 3 राउंड में नेपाल के बैट्समैन वाईटी की टीम को बहुत प्रेशर में डाल दिया है। आगे बढ़ते हुए गॉन्स, गॉन्स पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे, वन मोर टाइम गॉन्स, प्लेयर नॉकआउट है, किल सिक्योर कर लेंगे, बहुत बढ़िया। और ये क्या बात है, 14 वर्षीय खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में, गलती कर गए बॉल लगने में थोड़ी देर, 1v3 हो गया है कॉम्पिटिशन, 1v3 कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। ड्रैगो कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, ड्रैगो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए, ड्रैगो प्रो नेशन की टीम रहा है, क्या खेल रही है, एक नॉकआउट निकाला जरूर ड्रैगो को, और बढ़िया। ड्रैगो बनाम लेजर, ड्रैगो बनाम लेजर का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, लेजर ने रिवाइव अगर दे दिया अपने दोनों साथियों को तो ड्रैगो फंस गए, एक को तो दे दिया, एंगल पे वॉल लगा रहे हैं भाई, केविन कैप्टन के सामने नहीं टिक पाएंगे, 4-0 से आगे हो चुके हैं द प्रो नेशन। अब तक तो नेपाल की ओर से सिर्फ बैट्समैन और ड्रैगो के अलावा ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है, 4-0 से प्रो नेशन आगे, और ऐसे ही चलता रहा दिक्कत में पड़ जाएंगे। बचाए 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 बचाए
एक बार फिर से नेपाल के पास मौका, एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए ड्रैगो। ओह नाइस शॉट बाय लामा, नाइस शॉट बाय लामा। वन ऑन थ्री होत मत ऑन सो गया। हां हेरे रे हेरे रे, होल्ड होल्ड क्यों नाम रे हो इधर बताओ। यहां से योर साइड ब्लॉक से तेरी साइड ब्लॉक ऑप्शन दे मत रे क्या बड़ा उन्ना दे अभी से न जाओ ऑप्शन दे मत रे इसको ब्लॉक ऑन है इधर। और क्या हेडशॉट लगाया ड्रैगो ने, 4-1 से वापसी कर गई नेपाली टीम। टैक्सन लामा ड्रैगो एंड गॉन्स पूरी कोशिश कर रहे। ओ व्हाट अ शॉट बाय गॉन्स, क्या बात है, गॉन्स का खून बोलता हुआ यहाँ पे। मुझे अकेला घर पे छोड़ के जाते हो ऑस्ट्रेलिया, बदला लेते हुए क्या बात है। बच्चों को कभी अकेला मत छोड़िए वरना गॉन्स जैसा बागी बन जाएंगे। क्या बात है गॉन्स, दो नॉकआउट गॉन्स, जरा तीसरा गॉन्स पछाड़ी अगाडि बढ्दैन राम्ररी हामी यस्तो वाल हटाउन लामा ल ल अघिदेखि भन्दैछु कति चारजना नै यता सर्स लगाइरह सायद त्यहाँ आइसक्यो अब लामा लामा सँगै कोर्डिनेसन लाग्दैन के भाइ रोतर त हेर्नु उता होइन दाइ एक्लै छ तपाईँ बचायो आरामले दाइले हट्छ निस्किन्छ त्यो निस्क्यो दाइ डोन 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 ब्याक डोन दाइ डोन ब्याक तो बहुत ही खतरनाक किस्म का गेम प्ले यहाँ पे नेपाल की ओर से कमबैक होता हुआ और सामने की तरफ प्रो नेशन जो 4-3 से लीड में जब 4-3 होती है। क्या बात, ड्रैगो लामा और बैट्समैन आगे बढ़ते हुए खतरनाक मैच चलता हुआ गाइस। देखते हैं क्या होने वाला प्रो नेशन का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। बैट्समैन लामा गो, एक और जबरदस्त वापसी, कम ऑन नेपाल, कम ऑन नेपाल, क्या यहाँ पे वापसी कर पाएगी नेपाली टीम। क्या बात है, क्या बात है, फंस गए अयान, फंस गए, अरे फंस गए अयान। ओ 4-4 की बराबरी, लगातार 4 राउंड हारने के बाद अब एक बार फिर से भालू को कोंडो जस्तो गेम प्ले। यस, भालू को कोंडो जस्तो गेम प्ले, कम ऑन, हियर वी गो, क्या कमबैक किया है, 4-4 हो गया। गॉन ड्रैगो लामा और बैट्समैन आगे बढ़ते हुए। दिन ब दिन में नेपाली बहुत अच्छी होती जा रही है, आई एम डैम श्योर दिन ब दिन में नेपाली कुछ ज्यादा ही अच्छी होती जाएगी ना। बड़ा प्राउड फील हो रहा है। ड्रैगो गोन पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। अयान नॉकआउट हो चुके हैं, हाइपर लेजर, ड्रैगो लामा बैट्समैन। ओ नाइस शॉट बाय बैट्समैन, क्या कमबैक किया है राउंड भाई, ये गोरखा इनको लड़ना आता है। और देखिए
भारत की प्रो नेशन जहां 4-0 से डोमिनेट करी थी उनको 5-4 से पीछे कर दिया, 5-4 से पीछे कर दिया नेपाल ने। हैशटैग नेपाली हो गए जी। हां गाइस आयो गोरखाली। यस 4-0 से राउंड भाई प्रो नेशन आगे थे, 5-4 से इन्होंने वापसी कर ली। बताइए आई थिंक पीएन ने हल्के में ले लिया होगा ऐसा सोचने में आया। अरे हल्के का तो सवाल ही नहीं होता, गोरखा जो ठहरे। जय मां काली, आयो गोरखाली। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे द टीम फ्रॉम नेपाल, हियर वी गो फॉर द टीम ऑफ द बैट्समैन फ्रॉम नेपाल। एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए लामा एंड ड्रैगो। साइफर एक बार फिर से नॉकआउट हो चुके हैं। और भाई प्रो नेशन की टीम की तो यहाँ पे वाट लगा दी। और मैं बता दूं ऑलरेडी क्लैश स्क्वाड इंटरनेशनल क्लैश स्क्वाड चैंपियन एलिमिनेट हो चुके। अरे पड़ी पड़ी भैया, गॉन्स की क्या ही तारीफ करूं, उछल कूद करते हुए ये नौजवान 14 वर्ष के हैं, और मैं 14 साल के, और 14 साल में क्या गेम प्ले है इनका। ओहो क्वाड्रा किल बाय ड्रैगो, ड्रैगो का क्वाड्रा किल, 6-4 राउंड में 4-0 से 6-4 द ग्रेट नेपाली कमबैक। क्या बात है, क्या गजब का मुकाबला। और इस बार ड्रैगो डाउन, पिछले राउंड में क्वाड्रा किल निकाला था, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को घर पे अकेला मत छोड़िए। इसीलिए देखिए गॉन जैसा बागी बन गया है राउंड भाई, क्या कमाल खेल रहा है ये लड़का। 14 साल के गॉन बदला लेते हुए, क्या बात है, एक और क्या बात है। देख रहे हो राउंड भाई, देख लिया ना अपनी लापरवाही का नतीजा। उनका प्रोनेशन मुक्त देंगे। बॉन्स फिर से खड़े हो गए, बैट्सन लामा। साइफर को रिवाइव क्यों नहीं दे रहा कोई, एक कोई दे दो साइफर को रिवाइव। वाह गोली चला के रिवाइव दे रहा है। अरे क्या बात है, इसको कहते हैं रावण भाई कंगाली में अटक गया। केविन कोशिश तो कर रहे थे लेकिन सामने से आ गए बॉन्स एक बार फिर से, और 10 किल अकेले कर देंगे। ये क्या हो गया रोकी भाई, ये तो उम्मीद नहीं थी। ये देखो ऊपर से कंधे पे चढ़ के जाते हुए, अरे 10 बंदों को मारकर ले गया किल, ले गया किल, ओए 10 बंदों को मारकर ले गया किल। या गाइस 14 वर्ष के बागी नेपाल के गॉन्स, गॉन्स का यहाँ पे अतिशय जबरदस्त गेम प्ले, और इसी के साथ 7-4 से यहाँ पे कहना पड़ेगा रावण भाई भालू को कौन दो जास्तो गेम प्ले। क्या बात है, कमाल का मैच किया यहाँ पे बुया। यस या पहला मैच यहाँ पे जीता है नन अदर देन नेपाल ने। एक मिनट चार्ज में डाल देता हूँ।